नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों कल की 2898 AD का आज एक नया लुक जारी किया गया है अमिताभ बच्चन का, तो काफी जबरदस्त लुक है। कल से एक्चुअली यही हिंट देना शुरू कर दिया गया था मेकर्स की तरफ से। जब मैंने वैजयंती फिल्म्स का ऑफिशियल ट्विटर चेक किया था तो उसमें साफ लिखा था कि हम कुछ रिवील करने वाले, कुछ बताने जा रहे हैं, और अमित जी का एक पोस्टर भी उन्होंने जारी किया था। हालांकि उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि उनके चेहरे पे कपड़ा बांधा हुआ है उन्होंने मुंह पे। शायद उनका जो कैरेक्टर है वो महाभारत के बड़े योद्धा अश्वत्थामा से प्रेरित है, जिन्हें भगवान श्री कृष्ण ने श्राप दिया था कि वे आजीवन जिंदा रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। तो उनका काफी मतलब जो पीड़ा थी, और वो पीड़ा को वो भुगतेंगे। जो घाव थे उनके शरीर पर, जो हील अनहील, मतलब जिनको सही नहीं किया जा सकता, तो एक बहुत बड़ा एक श्राप था ये। और उससे प्रेरित किरदार अमिताभ बच्चन सर यहाँ पे निभा रहे हैं। तो उनका जो लुक के बारे में सभी जानना चाहते थे कि आखिर क्या नाम है उनका, क्या मतलब एक तरीके से उनका करेक्टर होने वाला है। जिस प्रकार से प्रभास के बारे में पहले बताया गया कि वे भैरव के किरदार में, मतलब कि भगवान विष्णु के जो 10वें अवतार है श्री कल्कि के अवतार, उनसे प्रेरित किरदार उनका है, लेकिन भैरव नाम उनका फिल्म में बताया गया है। तो इस तरह से अमित जी का ये लुक एक तरीके से रिवील हुआ है। साथ में दोस्तों, जब करीब भी ये 7:15 बजे का इन्फॉर्मेशन था कि आज शाम को 7:15 पे ये कुछ जानकारी हम देंगे, कुछ रिवील करेंगे, और स्टार स्पोर्ट्स के ऊपर ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था। और अमिताभ बच्चन के बारे में पहले उन्होंने एक पोस्टर भी जारी किया इससे पहले भी कि ये लुक रिवील, उससे पहले भी एक पोस्टर जारी किया था, और जिसमें भी ज़बरदस्त उनका अंदाज नज़र आ रहा है, दिखाई दे रही है केवल। लेकिन जो अमित जी के प्रशंसक है वो निश्चित रूप से उनकी आंखों से भी पहचान सकते हैं कि अमिताभ बच्चन ही हैं लीजेंडरी एक्टर, और एक ज़बरदस्त उनका एक अंदाज यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। जहाँ तक फिल्म की रिलीज के बारे में बात करें तो 9 मई को पहले फिल्म रिलीज होने वाली थी, चुनाव के कारण, लोकसभा के जो आम चुनाव है उसके कारण फिल्म की रिलीज डेट आगे खिसका दी गई, और 30 मई का फिल्म रिलीज होगी 30 मई 2024 को। अभी और कुछ चेंजिंग होगा तो मैं आपको स्क्रीन पे यहाँ पे डाल कर दूंगा, लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी जब मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया तो उस समय 30 तारीख का ये एक मतलब कि लगभग निश्चित था। 30 मई को पेपर में भी आ गई थी, तो देखते हैं। और प्रभास का लुक पहले आया था, अब धीरे धीरे एक कलाकार का लुक आना शुरू होगा। कमल हसन का भी आएगा, दीपिका पादुकोण, दिशा पाटनी, बाकी जो भी कलाकार हैं उन सबके लुक रिवील होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म होने वाली है, ज़बरदस्त हाइप के साथ ये फिल्म रिलीज की जाएगी, और काफ़ी इसका इंतजार कर रहे हैं। अब टीजर कब आ रहा है, ट्रेलर कब आ रहा है, सब जानकारी आपको मिलने वाली है। जो भी लेटेस्ट अपडेट होगा वो स्क्रीन पर मैं आपको जरूर दूंगा यहाँ पे। बाकी टीजर जो अनाउंसमेंट टीजर है, जो लुक रिवील किया गया, बहुत ही फैंटास्टिक, ज़बरदस्त, माइंड ब्लोइंग है। और मुझे उम्मीद है कि अमिताभ बच्चन इस फिल्म में बहुत ही ज़बरदस्त उनका एक एक्टिंग होने वाला है, ज़बरदस्त उनका रोल होने वाला है, और प्रशंसकों को काफ़ी खुशी होगी अमित जी को एक अलग अंदाज में देख करके। नागेश्विन बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर है, और अच्छी तरीके से वो यहाँ पे अमिताभ बच्चन को पेश करेंगे, ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री राम, जय बोलेनाथ।